सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह सो के क्या उठे, नहा भी लिए और टाइम हो रहा है 6:30। आ गए हैं किचन में जाने के लिए। इंदी टेढ़ा लग गया है। जय राधे राधे श्री राधे। क्यों डेली हम ब्लॉग शूट नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों, मतलब अजीब हो जाता है ना। शादी से पहले आप ऐसे ही रहो तो ठीक लगता है। हम तो वैसे शादी के पहले भी बिंदी साटा करते थे, क्योंकि मेरे को बिंदी बहुत ज़्यादा पसंद है, ब्लैक बिंदी साटा करते थे। अब रेड और कलर, ब्लैक छोड़ के सारा कलर अब साटते हैं। तो चलिए आ गए हैं किचन में। और आज है अनंत पूजा। तो अनंत पूजा के दिन हमारे घर ना व्रत नहीं किया जाता है, बट सेवई ये सब बनता है, सेवई पूड़ी। तो जा रहे हैं वहीं बना देने, और बस वही बनता है, मतलब व्रत कोई नहीं करता है। वैसे खाने के लिए जो जो बनता है, सेवई पूड़ी सब्जी आप जो बनाना चाहो वो। तो जा रहे हैं वहीं बनाने। टाइम 6:30 हो गया है, लेट ना हो जाए, इसलिए सोचे ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि डेली हम स्टार्ट करना सुबह में भूल जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में। सो गाइस, यहाँ थोड़ा बहुत साफ़ सफाई की है, मतलब साफ़ रहता ही है, बट हाँ थोड़ा बहुत जो झाड़ देते हैं। उसके बाद आज बनाने वाले थे सोयाबीन का सब्ज़ी। तो सोयाबीन को क्या किए कि मतलब हमेशा हम क्या में भूल जाते हैं कि अगर हम सोयाबीन जो उबालने के लिए रखते हैं ना, तो हम बार बार भूल जाते हैं उसमें नमक डालने का, बट हम आज याद से नमक डालेंगे। तो यहाँ गैस वगैरह को भी झाड़ दिए हैं अच्छे से, और उसके बाद हम चले सोयाबीन निकालने। और आपको सोयाबीन का सब्ज़ी कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। हमको तो ठीक ठाक लगता है, मतलब एकदम अच्छा, उतना अच्छा भी नहीं लगता और ख़राब, मतलब खा लेते हैं ऐसा लगता है। मेरे भैया को बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है सोयाबीन का सब्ज़ी। तो यहाँ आज याद से हम नमक भी डालें उबलते टाइम। फिर एक तरफ आलू उबलने के लिए रखे थे, तो वो भी उबल चुका था। तो यहाँ जल्दी जल्दी से आलू जो उबाले थे उसको छील लिए, ताकि सब्ज़ी फटाफट से बना पाए, क्योंकि आज अनंत था और एक चीज़ नहीं बनाना था मेरे को, बनाना था ये आलू का, आलू सोयाबीन का सब्ज़ी और सेवैया और पूड़ी ये सब बनाने वाले थे। तो इसलिए फटाफट से सारा कुछ कर रहे थे कि एकदम टाइम पर हो जाए। सोयाबीन उबाल लिए और यहाँ आलू जो बॉयल है उसको फ्राई कर लेते हैं, फिर इसको फ्राई कर लेंगे और फिर बनाएंगे सब्जी। तो चलिए मिलते हैं सब्जी बनाने के बाद, दिखाते हैं कि कैसा दिखता है। तो गाइस, यहाँ ये सोयाबीन फ्राई कर लिए थे, यहाँ आलू फ्राई कर लिए थे, और यहाँ फ्राई हो रहा है मसाला। आपको बताइएगा, देखने से लजीज लग रहा है या नहीं, मसाला तो मेरे को ठीक आने लगता है। मैं खरगोश को देखिए। तो गाइस देखिए, सब्जी अभी और फ्राई होगा, फ्राई करते हैं। मेरे को ऐसे इतना अच्छा लगता है, जितना कम ग्रेवी में है ना, मेरे को फ्राई करके बस इतना पानी डाल देने के बाद मेरे को लगता है कि टेस्ट में कमी आ गया, मेरे को ऐसा लगता है। फिर यहाँ सब्जी बन चुका था, उस यहाँ पे रोटी बना रहे थे अपने ससुर जी के लिए, कि घर से रोटी खा के चले जाएंगे और लंच में दे देंगे हम पूड़ी, क्योंकि फिर डबल दो दो बार पूड़ी पूड़ी हो जाएगा और ज़्यादा पूड़ी नुकसानदेह होता है। तो इसलिए हम सोचे कि घर पे खाने के लिए नाश्ता में रोटी बना देते हैं, और यहाँ पे हो ही चुका था। सासू माँ यहाँ बोली कि क्यों नहीं पूड़ी ही बना दी, हम बोले नहीं, बार बार मेरे ससुर जी के ना थोड़ा पेट में पेन होने लग रहा था, तो हम सोचे कि नहीं घर पे रोटी दे देते हैं खाने के लिए, क्योंकि डबल डबल हो जाएगा और फिर कल पूर्णिमा है, तो कल फिर पूड़ी बनता, तो इसलिए। और यहाँ पर वहीं हम लोग बात कुछ कर रहे थे, तो यहाँ पे रोटी पक रहा था। बार बार लोग कमेंट करते हैं कि रोटी गैस पे डायरेक्ट मत पकाया करो, बट आदत हो गया है। तो यहाँ पे सब्जी बन चुका था, यहाँ ससुर जी के लिए चाय बना रहे थे, और यहाँ पूड़ी बेल के रख दिए थे कि तेल गर्म होगा, फटाफट से छानते भी जाएंगे और लेट भी नहीं होगा, क्योंकि पूड़ी में थोड़ा टाइम लग जाता है ना। तो यहाँ डाल के देख रहे थे कि तेल गर्म हो गया है नहीं, तो तेल गर्म हो चुका था, तो फिर हम यहाँ पर पूड़ी ऐसे छान रहे थे। और ऐसे पूड़ी ना बोलते हैं या सीखते हैं, मम्मी लोग का देखे हैं कि ऐसे सर पे रख के और तब छानती हैं, तो इसलिए हम भी यहाँ पे सर पे रख लिए थे छानने के लिए पूड़ी।
आपके घर अनंत के दिन क्या क्या बनता है बताइएगा जरूर कमेंट करके। मेरे घर तो अजीब है, मेरे ससुराल में भी अनंत में व्रत नहीं किया जाता है, मेरे घर पे आरा भी मायके में जो है व्रत नहीं किया जाता है। दोनों जगह पकवान बनता है, मेरे घर भी बनता है, यहाँ भी ससुराल में भी बनता है, लेकिन व्रत नहीं किया जाता है। दोनों जगह सेम ही मिला। और फिर यहाँ पूड़ी तल रहे थे, और सही में रोटी पराठे से ज़्यादा ना पूड़ी में टाइम लग जाता है ना, तो यहाँ देखिए पूड़ी ऐसे फूल चुका था। फिर लंच के लिए लेट हो जाता है, इसलिए हम सासू माँ से बोले कि एक तरफ आप सेवई बना दीजिए तब तक, क्योंकि हमको पता था कि पूड़ी छानने में लेट हो ही जाता है, बेलो फिर छानो इसमें लेट हो जाता है थोड़ा, तो इसलिए हम इधर बोले एक तरफ ऐसे सासू माँ बना देंगी तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे आज अनंत है, तो देखिए आप लोग बना दिए पकवान, जो भी पूरी सेवई और आलू सोयाबीन का सब्जी। और इतना फटाफट से सुबह में बनाना पड़ता है ना, क्योंकि आपको पता है पूरी बनाने में ना ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो फिर भी टाइम पे बन गया। लंच लेके गए लोग, और आज हम बहुत अच्छा वीडियो शूट करने वाले हैं। एक ड्रेस मंगाए हुए हैं फ्लिपकार्ट से, बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो उस पर हम शूट करने वाले हैं वीडियो आज फ़ोटो शूट का। और कुछ कुछ जो बैग ऑर्डर किए हैं उसका हॉल भी शेयर करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं, वो भी शूट करते हैं। सोच रहे हैं सुबह में ही शूट कर लेते हैं, क्योंकि फिर आज ही वीडियो डाल भी सकते हैं, ऐसे लेट करते हैं तो लेट हो जाता है, तो इसलिए। तो चलिए ब्लॉग पे कंटिन्यू रहिए, आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा। तो गाइज हो चुके हैं रेडी और पहने ये बॉडीकॉन ड्रेस, बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। कहाँ से मंगाए हैं, कितने का मंगाए हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा मेरे राधा राजवंशी वाले चैनल पे। तो अगर आपने मेरा चैनल वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फटाफट से, उसे बहुत ही अच्छे अच्छे जो पोजेज होते हैं वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये वाला लुक कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। इसका गेट रेडी विथ मी ये आएगा, तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और इसका बाजू क्या बोले, मेरे को बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो चलिए अभी आए हैं शूट करने छत पे, बट स्काई पोजेस जो है ना, सोचे सेल्फी कुछ इस तरीके से आप लोग साथ शेयर करेंगे जो ट्यूटोरियल होगा वो, तो चलिए देखिएगा वो सभी पोजेस बहुत ही अच्छे आएंगे। गाइस हो गया फोटोशूट मेरा कंप्लीट, और ढेर सारा वीडियो बना लिया ताकि कुछ दिन तक चले मेरा वीडियो। और ड्रेस का हम जितना तारीफ करें कम है, बहुत ही सुंदर है, बहुत 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 सुंदर लग रहा है मेरे को इसका बाजू। और बर्थडे में गिफ्ट देने के बाद आज पहली बार ये वॉच पहने। अरे पतिदेव बोलते हैं तुम सब कुछ रख देती हो, कुछ भी यूज़ नहीं करते, सही में हम ये सब चीज़ें पहन ही नहीं पाते, बट आज निकाल दिए तो अब हम पहना करेंगे रेगुलर बाहर जाते टाइम, क्योंकि घर में कौन पहनता है, कोई नहीं पहनता। तो चलिए अभी एक आया पार्सल मेरा फ्लिपकार्ट से, मरून ड्रेस। तो चलिए फोटो शूट आएगा जल्दी इस पर भी, तो कैसे लग रहे हैं हम तारीफ़ कर दीजिएगा बहुत सारा। तो चलिए चलते हैं, चेंज करते हैं ड्रेस, उसके बाद कुछ वीडियो आज ही डाल देते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा अच्छा अच्छा वीडियो नहीं आया है फोटोशूट वाले चैनल पे। अगर आपने मेरा फोटोशूट वाला चैनल राधा राजवंशी जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा गाइज, उस पर बहुत ही अच्छे अच्छे चीज़ आते रहते हैं, फैशन से रिलेटेड, स्टाइल रिलेटेड, हॉल्स वीडियो, बहुत सारा फोटोशूट पोजेज, बहुत सारा चीज़ आते रहता है। और गाइज मेरा दोनों इंस्टाग्राम है वो भी फॉलो कर लीजिए, एक है rajvansi.clicks जिसपे फोटोशूट वगैरह वहीं शेयर किया करते हैं, और एक है राधा राजवंशी जिसपे हम अपना रील्स बनाते हैं, लिपसिंग वीडियो, स्लोमो वीडियो, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको वो सब भी देखना है, इंटरेस्टेड हो, तो जल्दी जल्दी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए ड्रेस चेंज करके उसके बाद मिलते हैं। फुल लुक नहीं दिखाए हैं तो देख सकते हैं ऐसा है बॉडीकॉन का, यहाँ तक है और फिर इस तरीके से है, ये रहा फाइनल लुक, मीन्स इस तरीके का लुक आएगा आपका। और अच्छा एकदम नीचे तक है, जिनको पैर दिखा के पहनना नहीं पसंद वो पहन सकते हैं, बट हाँ एक चीज़ है, इसका पीछे जो है कट दिया हुआ है, देख सकते हैं पैर के पास कट है पूरा, तो वहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है जिनको नहीं पसंद। जैसे मेरे जैसी लड़की नहीं पहन के बाहर निकल सकती है, बस फोटो शूट कर सकते हैं, घर पे बाहर नहीं निकल सकते, यहीं हो जाता है प्रॉब्लम। तो चलिए जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, फिर वीडियो कुछ है वो डाल लेते हैं कुछ। सो गाइज वीडियो बनाने के बाद थोड़ा देर रेस्ट कर लिए, रेस्ट मतलब नींद से नहीं सोए थे, बस एक दो शॉर्ट्स डाले, एक शॉर्ट्स और बैटरी पूरा लो हो चुका था मोबाइल का, तो वो चार्ज में लगाएं। देन अभी हम शाम हो चुका है, अभी आए हैं, हम सोच रहे हैं क्या बनाएं रात के खाने के लिए, टाइम 5 बज गया है शाम का,
और सोच रहे क्या बनाए, क्योंकि मेरे पतिदेव को ना अलग अलग चीज़ खाने का बहुत शौक है, मतलब कुछ न्यू ट्राई करने का। वैसे तो आलू का भुजिया रोटी बना दे रहे हैं, और एक चीज़ सोच रहे हैं अलग से कि आज प्याज पराठा ट्राई करवाते हैं अपने पतिदेव को, क्योंकि हम नहीं बनाए हैं अभी तक। मेरी बहन का फेवरेट डिश है, जब उसका अलग कुछ खाने का मन करता है प्याज पराठा बना के खा लेती है। तो सोच रहे हैं कि आज बनाते हैं प्याज पराठा और पटल का चटनी बना देंगे, तो चलिए चलते हैं बनाने। गाइस यहाँ कट कर रहे हैं भुंजिया और अभी 3 बाकी है, और एक देखिए ना आलू ऐसा मिला, लग रहा है ना हार्ट शेप है, दिल लग रहा है, देखिए दिल। और यहाँ मिर्च, तो चलिए जल्दी जल्दी बनाते हैं। सो गाइस आँख नहीं खुल रहा है, इसीलिए हम प्याज कट नहीं करते हैं, फिर क्या होता है ना यही मेरा सर पकड़ लेता है। अब इतना ही ये हो गया, मेरा मतलब सिर में दर्द हो जाता है, बहुत आँख में लगता है प्याज। तो प्याज पराठा बनाने के लिए दिखा रहे हैं, प्याज कट कर लिए एकदम बारीक बारीक से। सो गाइस देख सकते हैं यहाँ प्याज कट कर लिए, और ये भी कट कर लेंगे, इसके बाद बनाएंगे पराठा। सो गाइस यहाँ मेरा भुजिया देखिए बन रहा है, और यहाँ पे प्याज कट करके रख दिए एकदम बारीक बारीक सा। उससे पहले सोचे कि आटा सान के रख देते हैं, क्योंकि आटा थोड़ा देर बाद मतलब सान के बनाने पे बहुत ही अच्छा रोटी बनता है, तो उसके बाद हम इसमें क्या क्या मिलाना है दिखाएंगे। गाइस यहाँ देखिए पटल ले लिए हैं, और इसको इस तरीके से गैस पे पका लेंगे, और इसका चटनी इतना अच्छा लगता है ना क्या बताएं। और ये मेरा भुंजिया हो चुका है, पक गया भुंजिया। और यहाँ चिली फ्लेक्स ले लिए हैं, पिज्ज़ा में मिला था मेरे को, तो इसको रख दिए थे अच्छे से जो इसमें डालने वाले हैं। सो गाइस इसमें डाल चुके हैं हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और चिली फ्लेक्स जो दिखाए वो नमक अभी नहीं डाले हैं, क्योंकि पानी मतलब ये हो जाता है पूरा इसलिए। और चाट मसाला डाल दिए हैं, और अमचूर पाउडर डाल दिए, इतना कुछ डाले हैं, और इसको मिक्स कर लेंगे। सो गाइस देख सकते हैं इस तरीके से पक गया। अब इसमें हम लहसुन, नमक और हल्का सरसों का तेल डाल के और पीस देंगे, क्या बोलते हैं, मिक्सर में पीस देंगे, जिस तरीके से पीसा जाता है। गाइस देखिए इस तरीके से इसमें रख दिया, अभी थोड़ी देर बाद हम पीसेंगे क्योंकि ये गर्म है। और 2 मिर्च भी, और इसमें पहले से लहसुन पीसा हुआ था तो वही लहसुन डाल दिए इसी में, और इसको हम पीस लेंगे, बन जाएगा चटनी। अब मेरा भुंजिया हो चुका है। गाइस देखिए चटनी हो गया रेडी, और किसके किसके घर में ये बनता है बताइएगा, और नहीं अगर बना होगा तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी लगता है। सो गाइस उसके बाद हम गए अपना जो कपड़ा सिलने के लिए दिए थे वो लेने के लिए, और जब हम गए तो रास्ते में अपना मोबाइल अपने पतिदेव को दे दिए थे रखने के लिए, और फिर पतिदेव कहीं बाहर गए फिर, तो वहाँ पे ना मोबाइल लेके चले गए। उसके बाद हम जो भी प्याज पराठा ये सब बनाए कुछ भी वीडियो शूट नहीं कर पाए, और ये देखिए ना चांद बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसी बात पर लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी, बहुत सारा शेयर भी।